वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। मैं हूं आपका सच्चा दोस्त पवन कुमार। माय डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में बोला था कि जो बच्चे जो स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए हमने बोला था कि एक सरप्राइज आएगा, और वो सरप्राइज माय डियर स्टूडेंट इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स उन स्टूडेंट के लिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड से, और आज उन लोगों का पहला लेक्चर शुरू हो गया है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज उन लोगों का पहला लेक्चर में हम ये पढ़ाने वाले हैं डिमांड है क्या। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले डिमांड को समझने से पहले थोड़ा सा हम अपने आप को समझते हैं कि माय डियर स्टूडेंट, जब हम किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं, खरीदना चाहते हैं, इच्छा होता है, पेन खरीदना है, पेंसिल खरीदना है, बाइक खरीदना है, आजकल तो मोबाइल का ज़्यादा दौर चला तो मोबाइल खरीदने की इच्छा होती है, तो लोग क्या करते हैं, इच्छा होती है तो क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं और मोबाइल को खरीद लेते हैं या फिर ऑनलाइन परचेस कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, वो चीज़ जो हम कर रहे हैं ना, वही तो डिमांड है। अब सपोज मानो जिस जगह पे हम लोग हैं, तो यहाँ एक मार्केट है, तो मार्केट यहाँ पे बना किस लिए, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक है, और पब्लिक है तो क्या करेगी, सामान को यानी किसी भी चीज़ को, अपने ज़रूरतमंद चीज़ों को जरूर परचेस करेगी, खरीदेगी। तो वो चीज़ जो चीज़ परचेस यहाँ के पब्लिक करेगी, उस चीज़ को यहाँ पे मार्केट वाले लोग रखते हैं, और लोग यहाँ के पब्लिक लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो उसी में तो मार्केट वाला क्या है, क्या कर रहा है, यानी हमारी डिमांड को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। मैनेज तो माय डियर स्टूडेंट, डिमांड को जो हम लोग फुलफिल कर रहा है, तो डिमांड का कुछ कंडीशन हो जाता है, और वो कंडीशन है, अब सपोज मानो कि अगर हम मोबाइल खरीदना चाहते हैं, तो मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले मोबाइल का एक जब खरीदना मेरे मन में इच्छा जगा, यानी डिजायर आया, यानी डिजायर टू कम्युनिटी, यानी खरीदने की एक इच्छा जगी, तो हमने मोबाइल खरीदने की इच्छा जगा दी। एबिलिटी टू बाइट, खरीदने की इच्छा तो जग गई, बट खरीदने की औकात भी तो होनी चाहिए, जिसको कहते हैं मनी, वो भी तो होनी चाहिए। अगर वो है तो डिमांड कर लेंगे, जैसे डिजायर टू कॉमोडिटी, इच्छा तो जगा देते हो माय डियर स्टूडेंट अपने अंदर की, चलो एक बढ़िया सा फोन लेंगे, फोन लेना है तो एबिलिटी टू बाई इट, पैसा पे करने की, यानी जिसको बोलते हैं खरीदने की औकात भी तो होनी चाहिए जिसको। तीसरा पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, विलिंगनेस पे फॉर इट। बच्चों, इसमें एक कंसेप्ट है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, इच्छा तो है, एबिलिटी टू बाई इट, मान के चलो खरीदने की औकात भी है, पैसा किसी तरह से जुगाड़ कर लिया, लेकिन जैसे ही पापा के पास गया, पापा मोबाइल खरीदना है, आप बोलिए जल्दी समझेंगे, या पापा से पूछने क्या, पापा बोला बच्चों अभी तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, अभी मोबाइल मत कर दो, अभी चलो पढ़ो, बाद में जब तुम्हारा टाइम आएगा तब तुमको मोबाइल खरीद के दे देंगे, यानी कि तुम्हारा सही समय नहीं है। तो वही होता है माय डियर स्टूडेंट, विलिंगनेस पे फॉर इट, यानी कि हम उस समय पर सही पैसा फालतू का खर्च नहीं करना चाहते। पापा समझ गए कि यहाँ पे पैसा मेरा खर्च नहीं हो पाए, सही जगह पे इस्तेमाल नहीं हो पाए, तो यहाँ पे क्या, विलिंगनेस पे फॉर इट, यानी कि पैसा को जो है एक सही समय पर उपयोग करेंगे तब मेरा डिमांड होगा। अभी हम डिमांड करके क्या करेंगे। तीसरा क्या है, यानी चौथा पॉइंट, यानी एट द गिवन प्राइस। चौथा पॉइंट क्या है, एट द गिवन प्राइस, यानी कि माय डियर स्टूडेंट, अब सपोज मानो ये सब चीजें यहाँ पे मान गए, इच्छा भी है, एबिलिटी टू भी है, पापा भी मान गए, इसको मना लिए, सही समय भी है, चलो, यानी पापा बोल गए चलो खरीद दो, पे कर दोगे तुम, विलिंगनेस भी है, एट द गिवन प्राइस। अब वो प्राइस से सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी डिमांड होता है। जो प्राइस मार्केट में है मोबाइल का, उस प्राइस से अगर सेटिस्फाई है तो डिमांड हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, इन द गिवन टाइम, क्या वो सही समय है खरीदने का, सही समय यानी कि अभी तुम बोले, जब अभी तुम 8 साल के हो और पापा हमको मोबाइल चाहिए 15,000 का, क्या पापा खरीद के दे देंगे, नहीं। माय डियर स्टूडेंट, वहाँ पे पापा खरीद के आपको नहीं देंगे, वो क्या कहेंगे, बच्चों जब तुम्हारा टाइम आएगा तब तुमको हम खरीद के दे देंगे। अगर इन शॉर्ट, अगर और दूसरा एग्जाम्पल से समझे, तो अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, हम कूलर, एसी, फैन, यानी इस चीज़ का डिमांड करते हैं। ठंड के मौसम के दिन वाला वस्तु का हम अभी डिमांड करेंगे, नहीं कर सकते, कि ठंड में हम लोग स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, क्या अभी डिमांड करेंगे, नहीं करेंगे। तो उसका एक टाइम आता है, जैसे अभी टाइम इसका नहीं है, अभी बच्चा है तुम, टाइम नहीं है,
तो डिमांड नहीं होगा, अगर टाइम आ जाएगा तो डिमांड होगा। तो माय डियर स्टूडेंट डिमांड जो है ना इन पांच चीजों पर डिपेंड करता है, डिमांड जो है ना ये पांच चीजों पर, यानी कि डिजायर टू कमोडिटी, एबिलिटी टू बाय इट, विलिंगनेस पे फॉर इट एट द गिवन प्राइस इन द गिवन टाइम, यानी एक पांच जो पॉइंट है ये पांचों पॉइंट पर हमारा क्या है डिमांड डिपेंड करता है। और इसी का एक एग्जिट यानी कि इसको हम लोग लैंग्वेज में लिख दिया माय डियर स्टूडेंट, यानी आप देख लीजिए कंज्यूमर डिजायर टू परचेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड विलिंगनेस पे फॉर एंड स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विस, यानी इसका एक तोड़ है, इसका एक लैंग्वेज है, ये जो लिखा हुआ माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा डिमांड का डिफिनेशन है माय डियर स्टूडेंट, ये क्या है मेरा डिमांड का। तो माय डियर स्टूडेंट अब हम बात करते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड पे क्या क्या फैक्टर यानी क्या क्या प्रभाव पड़ता है, यानी डिमांड किन किन चीजों पे डिपेंड, यानी कह सकते हो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड। यानी माय डियर स्टूडेंट सबसे पहला मेरा आता है इसको एक्स जो बोले हैं डिमांड ऑफ गुड्स है, गुड्स का है, यानी डिमांड्स ऑफ गुड्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा बात करेगा प्राइस ऑफ गुड्स, क्या है माय डियर स्टूडेंट, यानी पहला फैक्टर डिमांड किस किस पे होगा, प्राइस ऑफ गुड्स पे होगा माय डियर स्टूडेंट। दूसरा हमारा होगा मनी इनकम, तीसरा होगा टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस, फोर्थ होगा पॉपुलेशन, फिफ्थ होगा टाइम और सिक्स होगा हमारा प्राइस रिलेटेड सब गुड्स। माय डियर स्टूडेंट एक एक करके फिर से समझते हैं प्राइस डिमांड कैसे इस पे इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस ऑफ गुड्स की जब हम बात कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोग कभी देखे होंगे मार्केट में गए होंगे प्राइस ऑफ गुड्स कैसा, किसी वस्तु को अगर हम खरीदने जाते हैं, किसी वस्तु को अगर हम खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि प्राइस अगर उस वस्तु का ज्यादा है तो क्या करते हैं हम लोग, अगर प्राइस उस वस्तु का ज्यादा है, ज्यादा एरो मतलब ज्यादा, तो डिमांड क्या होगा माय डियर स्टूडेंट उस वस्तु को क्या करते हैं हम लोग, नहीं खरीदेंगे यार पैसा ज्यादा है बाद में खरीदेंगे, ये हो जाता है, यही होता है। और अगर प्राइस कम रहा माय डियर स्टूडेंट उस वस्तु का तो हम लोग क्या कहते हैं अरे यार सोच के चले थे कि इतना रुपये में इतना मिल जाए इतना मिलेगा, लेकिन हो क्या रहा है हमारा डिमांड पैसे के अनुसार तो ज्यादा वस्तु खरीदा जा रहा है, यानी कि हम लोग गए सोच के कि चलो 10 रुपये मिला है पापा के द्वारा खरीदेंगे आज 2 समोसा खाएं 5, नहीं वहां तो गया तो 2 समोसा बोले 3 समोसा हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट प्राइस किसी वस्तु का ज्यादा होता है तो डिमांड क्या होता है घटता है, और अगर प्राइस कम रहा तो डिमांड उस वस्तु क्या होता है ज्यादा होता है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर अफेक्टिंग हमारा डिमांड का, यानी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड्स का पहला पॉइंट हमारा ये माय डियर स्टूडेंट, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड हमारा क्या हो रहा है घट रहा है, और प्राइस घट रहा है तो डिमांड हमारा क्या होगा बढ़ रहा है माय डियर स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट करते चाहिए या तो स्क्रीनशॉट लेते चाहिए, हम मिटाते जा रहे हैं बताते जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट मनी इनकम, मनी इनकम। अब माय डियर स्टूडेंट जितना पॉकेट में पैसा उतना बुद्धि, पैसा कम बुद्धि खत्म, वही हाल इसमें है, मनी ज्यादा है इनकम ज्यादा, इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, इनकम कम तो डिमांड कम, होता है जैसे होता है ना। अब यहाँ पे गए मनी इनकम मेरा ज्यादा है, मेरे पास पैसा ज्यादा है, बड़े बाप का बेटा है, गए मार्केट में एक की जगह 4 खरीद लिए, पैसा क्या जितना मन चाहे खरीद ले, इनकम यानी डिमांड ज्यादा कर दिया। अगर पैसा कम है वहाँ पर लट्टू बन के गए हैं तो लट्टू बन के आइएगा, जो डिमांड क्या हो जाएगा कम जाएगा, यानी कि मार्केट में यानी मनी इनकम ज़्यादा डिमांड ज़्यादा, मनी इनकम कम तो डिमांड क्या होगा कम, यानी इसमें सीधा रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसको बोल सकते हैं हम लोग इन फिजिक्स भाषा में, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं, यानी कि मनी ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा, मनी कम डिमांड कम, सिंपल है ना, होता है जैसे आप लोग अपने पर अजमा लीजिए, कभी कभी मार्केट में जाते हैं 100 रुपये लेके जाते हैं, 2 बच्चे हैं चलो यार एंजॉय करेंगे, जहाँ वहाँ गए हैं तो देख रहे बाप वहाँ तो डिमांड उस वस्तु का कमी ज़्यादा है, यानी पैसा यानी प्राइस ज़्यादा है हम लोग उसको खरीदेंगे, जैसे गए वैसे चले, लेकिन अगर वही ज़्यादा अमीर बाप का बेटा होता यार सो क्या 500 रुपये खर्च करो ना क्या दिक्कत है, ये सब सोचते हैं। तो मनी इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, मनी इनकम कम तो डिमांड, यानी कि मनी इनकम और डिमांड के बीच डायरेक्टली रिलेशन,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करिलेशन अगर हम अब बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं। तीसरा माय डियर स्टूडेंट हमारा है क्या, जो ये सब क्या है, ये जो भी हम बताए ये हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड है। यानी तीसरा पॉइंट हमारा माय डियर स्टूडेंट टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस। टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस क्या है? अब जैसे देखो आप किसी भी कमोडिटी को खरीदते हो तो देखते हो कि क्वालिटी उसका कैसा है। क्वालिटी अगर अच्छा है तो खरीदते हो, क्वालिटी अच्छा नहीं है तो नहीं खरीदते हो, हम दूसरी वस्तु की ओर बढ़ते हैं, यही होता है ना मार्केट में। तो यानी टेस्ट अच्छा है यानी क्वालिटी अच्छा है तो डिमांड उसका अच्छा होगा, टेस्ट अगर खराब है उसका तो डिमांड क्या होगा। माय डियर स्टूडेंट यार टेस्ट मतलब स्वाद मत समझ लेना, ऐसा भी समझ लो तो दोनों का मीनिंग एक ही है। स्वाद अच्छा तो अच्छा लोग खाता है, ज्यादा ज्यादा खाता है, स्वाद खराब रहेगा तो क्या कहेगा यार साहब ने स्वाद मोहक बर्बाद, इस तरह का भाषा यूज होता है। तो यहाँ पे यही होता है, तो टेस्ट अगर अच्छा है तो डिमांड अच्छा है, यानी यहाँ पे क्वालिटी की बात कर रहा है, यानी क्वालिटी अच्छा है तो डिमांड अच्छा, क्वालिटी खराब डिमांड खराब होता है मार्केट में, देख रहे हो ना कितने लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। जो अच्छी वस्ती होती है उसको ज्यादा डिमांड होता है, जो खराब वस्ती होती है उसकी डिमांड क्या होता है मार्केट में माय डियर स्टूडेंट कम जाता है। फोर्थ पॉइंट माय डियर स्टूडेंट ये हमारा है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं जनसंख्या। माय डियर स्टूडेंट अगर घर में चार फैमिली है तो एक किलो चावल बनता है, दो बच्चे हैं दो एक मम्मी पापा एक किलो चावल खत्म। लेकिन अगर फैमिली बढ़ गया फूआ फूफी दादा दादी नाना नानी सब पूरा घर में आ गया तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट वहां पे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जहां एक किलो चावल बनता था अब कितना बनेगा, दो किलो चावल बनेगा। यानी पॉपुलेशन बढ़ा जनसंख्या बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ेगा माय डियर स्टूडेंट, और पॉपुलेशन घटा यानी कि यहां से अगर पॉपुलेशन घटा आदमी लोग जाना शुरू किया रिलेशन जो आए थे वो चल जाना शुरू किया तो डिमांड में क्या हो जाएगा घट जाएगा माय डियर स्टूडेंट, घटेगा कि नहीं घटेगा? तो वही बोला है अगर पॉपुलेशन बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगा, पॉपुलेशन घटा तो डिमांड घटेगा। आप इसे देश आप कंट्री की बात कर ले जैसे इंडिया इतना बड़ा पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन यहाँ का पॉपुलेशन है डिमांड ज्यादा होता है। यहाँ का बात करें एक छोटा सा कंट्री हमारा बगल में ही है भूटान, भूटान में पॉपुलेशन कम है डिमांड कम होता है, तो इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। तो जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा वहाँ डिमांड ज्यादा, जहाँ पॉपुलेशन कम वहाँ डिमांड कम, इसमें भी क्या रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें केवल इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन था, इनवर्स मतलब उल्टा रिलेशन था, बाकी सब में सेम ही सेम है। आप बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राइस रिलेटेड सब गुड्स, ये हमारा है प्राइस रिलेटेड सब गुड्स, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं VVI टॉपिक है। उससे पहले हम बात करते हैं टाइम, टाइम को थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए थे तो टाइम, हाँ तो टाइम में क्या है, टाइम भी एक प्रकार टाइम की बात करते हैं। अब टाइम क्या है ये भी एक प्रकार से वैसे ही, अभी हम बोले मौसम अगर गर्मी है तो कूल कूल चाहिए, ठंडे ठंडे गर्मी कूल कूल का एक आता था ना एडवर्टाइजमेंट वो देखता था टीवी पे, तो उस चीज़ का डिमांड ज्यादा होगा कि नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट? उसका टाइम अभी चल रहा है, देख रहा है अभी शादी का सीजन चल रहा है, डीजे बाजा सब डिमांड पर डिमांड कर रहा है, शादी खत्म सीजन खत्म डिमांड डीजे वाला चुपचाप बैठा रहे, तो वही होता है माय डियर, उसका अभी टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग काम करो। टाइम अगर उसका अच्छा है तो उसका डिमांड अच्छा देता है, किसी भी फैमिली का डिमांड टाइम अच्छा चलता है तो घर में सब चीज़ सही सही होता है, तो सही टाइम सही डिमांड सही, यानी टाइम ज़्यादा टाइम उसके अकॉर्डिंग सही है तो डिमांड उसके अनुसार ज़्यादा, यानी गर्मी का मौसम ठंडे ठंडे वस्तु का ज़्यादा डिमांड, ठंडा ठंडा यानी गर्मी का मौसम गया यानी टाइम उसका गया उसका डिमांड भी क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कम जाएगा। यानी इसके बीच भी रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, इसको हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये मेरा हो गया। अब लास्ट पॉइंट जो भी बात करते थे इससे पहले हमारा प्राइस रिलेटेड सब गुड्स, ये माय डियर स्टूडेंट जो बोले भी कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, बड़े बड़े एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, अब 12th का फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है,
फिर हमारा सीए का एग्जाम में क्वेश्चन का इससे क्वेश्चन पूछा गया प्राइस रिलेटेड सब गुड्स माय डियर स्टूडेंट। तो प्राइस रिलेटेड सब गुड्स है इसको, ये जो है माय डियर स्टूडेंट इसका दो भाग में बांटा गया है। प्राइस रिलेटेड गुड्स को दो भाग में बांटा गया, एक भाग है जिसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स इसको दो पार्ट में बांटा गया, और एक हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या है? एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, आप लोगों तो पहली पहली बार नाम सुन, 11th क्लास से 12th क्लास में आ गए, अब नाम सुन रहे सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। बच्चों बहुत सिंपल है, आप सुनोगे तो कहोगे कि यार सर इतना इजी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, और सच में इजी है, इसमें दम है ही नहीं, बोले ना कुछ ना दम है, खाली आप लोग बढ़िया से पढ़िए ना समझ में, क्लियर समझ में, अब बस पीसीएम क्लास के साथ ज्वाइन करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, सब चीज़ आपको मिलते रहे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारा काम हम करेंगे, केवल घर में बैठिए। सब्स्टिट्यूट गुड्स किसको कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स उसको कहते हैं, अरे ई नहीं है तो ई हो जाएगा, इससे काम चला लेंगे, बस सिंपल हम अपना भाषा बोल रहे हैं, जिसको बोलते हैं ठेठ भाषा, ई नहीं है तो इसे काम चला लेंगे, अरे घर वाली सपोर्ट नहीं करे तो बाहर वाली सपोर्ट करेगा, क्लियर जब हाँ। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में बता रहे थे माय डियर स्टूडेंट टी एंड कॉफी, यानी अगर इसका दाम बढ़ेगा तो चलो कॉफी पी लेंगे, क्या दिक्कत है, और कॉफी का दाम बढ़ेगा तो टी पी लेंगे, अरे एक नहीं तो दूसरा, काम चलाने से मतलब है, क्या जरूरी है। तो ये थोड़ा अगर हम मार्केट के हिसाब से सोचें तो माय डियर स्टूडेंट थोड़ा यहाँ पे थोड़ा जगह चाहिए हमको, इसलिए थोड़ा मिटा दे रहे कॉम्प्लीमेंट। हाँ तो बच्चों प्राइस रिलेटेड ऑफ गुड्स में जो हम बात कर रहे थे तो हमारा इसमें दो पार्ट्स है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा क्या है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम क्या बात कर रहे थे, टी एंड कॉफी की बात कर रहे थे, इसको थोड़ा मिटा करके साफ करके ऊपर ले गए क्योंकि हमको डायग्राम के साथ समझाना है, उसमें जगह नहीं था तो इसलिए मिटा के ऊपर। तो टी एंड कॉफी में क्या है, अब टी एंड कॉफी में माय डियर स्टूडेंट अगर देखो प्राइस ऑफ टी का दाम बढ़ गया तो जो चाय का जो आदि है, जो चाय पीने का हैबिट है उसको क्या करेगा, उसको तो चाय ही चाहिए, तो वहां पे अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, पैसा ज्यादा जहां 5 रुपये में एक कप मिलता था 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया तो क्या करेगा माय डियर स्टूडेंट, तो वहां पे क्या करेगा कि अब इसको क्या करना, प्राइस बढ़ गया तो क्या करेगा, चलो एक लाइक से काम चली जाएगा तो क्या करेगा, हमारा डिमांड ऑफ कॉफी का दाम क्या करेगा, और चाय नहीं मिला तो कॉफी पी लेंगे, क्या जरूरत है, चाय पीना जरूरी है क्या, तो चाय से दाम बढ़ गया, चाय का दाम बढ़ गया तो डिमांड का दाम बढ़ जाएगा, यानी कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा, और यहाँ पे क्या हुआ, टी का डिमांड माय डियर स्टूडेंट घट जाएगा, यहाँ का टी का डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यही होता है मेरा सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी एक नहीं है तो दूसरा से काम चला रहे, बात समझ रहे, एक नहीं है तो दूसरा से काम चला, वही है प्राइस अगर टी का दाम बढ़ गया तो डिमांड घट जाएगा, प्राइस ऑफ डिमांड ऑफ कॉफी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर हमारा डिमांड यानी प्राइस ऑफ जो है इसका कॉफी क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ये मेरा सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है माय डियर स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट हाँ तो बच्चों दूसरा पार्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो दो टाइप्स में, दूसरा टाइप्स हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या हुआ, अब ये भी बहुत इजी चैप्टर है, ये भी बहुत छोटा कंसेप्ट है, बहुत इजी है, समझने बहुत मजा आएगा, अब घर में होता है जैसे कैसे घर से रिलेटेड था, हम लोग से रिलेटेड भी रिलेटेड है, जैसे देखो माय डियर स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट उसको कहते हैं जो एक के बिना दूसरा अधूरा, एक के बिना दूसरा अधूरा, जय गुरु के दोस्त, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे, वही कहानी इसमें है मेरे दोस्त। अब जैसे मेरे दोस्त कार और पेट्रोल का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कार है तो पेट्रोल ही नहीं रहेगा तो चलेगा क्या, पानी पे चलेगा नहीं, जैसे जय और वीरू कैसे थे, दोनों एक साथ, कभी दोस्ती तोड़ा नहीं तोड़ा, मरते दम तक साथ, यही हाल इसमें मेरे, और कार है पेट्रोल ही नहीं तो चलेगा कहीं, पेट्रोल अलग कार को क्या घर में सोवा देंगे, मेरा म्यूजियम है, मेरा कार का म्यूजियम है, ऐसे तो होगा नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इसी कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, अगर जैसे अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि जैसे प्राइस ऑफ कार अगर बढ़ गया तो डिमांड ऑफ कार क्या हो जाएगा, घट जाएगा,
डिमांड ऑफ कार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और डिमांड ऑफ कार क्या हो जाएगा उसका, घट जाएगा। जब प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड ऑलरेडी घट जाएगा, और जब घट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जो डिमांड ऑफ किसका, पेट्रोल का, वो भी घट जाएगा। जब कारें नहीं रहेगा तो पेट्रोल लाके क्या करेगा, घर में उसको क्या करेगा, ला करके पिएंगे, घर में उसको तो ला के रखेंगे नहीं, और वो हानिकारक होगा मेरे लिए रखेंगे तो। यानी प्राइस अब कार का डिमांड बढ़ गया तो डिमांड ऑफ कार क्या हो जाएगा, घट जाएगा माय डियर स्टूडेंट। और जब डिमांड ऑफ कार घट गया तो पेट्रोल को हम लोग क्यों खरीदेंगे, पेट्रोल को रख के क्या करें, कुछ फायदा है नहीं। तो वहां पे डिमांड ऑफ पेट्रोल का भी दाम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी डिमांड उसका भी घट जाएगा। यानी क्या है, अगर हमारा प्राइस ऑफ डिमांड पे पेट्रोल क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे, क्या रहे, कॉन्स्टेंट। बात समझ में आ गया, यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स माय डियर स्टूडेंट। अब जो ये पूरा हम लोग जो समझे, अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ आज के क्लास का, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड है क्या माय डियर स्टूडेंट। अभी हम लोगों ने बात किया लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, सिंपल तरीका, सिंपल तरीका लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या है, सिंपल तरीके से लोग बात करेंगे। जैसे किसी भी डिमांड करते, किसी भी गुड्स का डिमांड है, किसी भी गुड्स का डिमांड है, तो पूरे डिपेंड करता है किस पे माय डियर स्टूडेंट, फंक्शन ऑफ प्राइस पे। क्या है, प्राइस के फंक्शन पे, यानी प्राइस उसका कैसा है, प्राइस उसका कैसा है, किसी भी गुड्स का प्राइस कैसा है, वो डिपेंड करता है उस पे। जैसे देखो, अगर किसी भी वस्तु का, यानी किसी प्राइस, एक वस्तु का प्राइस बढ़ गया तो उस वस्तु का डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अभी हमने बात किया है ना। और अगर प्राइस घट गया तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यही होगा ना। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि किसी भी वस्तु का, यानी किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और किसी भी वस्तु का, यानी किसी भी कमोडिटी का प्राइस घट गया उसका डिमांड घट जाएगा। रिमेनिंग माय डियर स्टूडेंट, एक चीज यहाँ पर लिखना पड़ेगा, रिमेनिंग अदर थिंग क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। और अदर थिंग क्या कॉन्स्टेंट होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, अदर थिंग में हमारा जैसे आ जाता है मनी इनकम, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, टाइम, जो हमारा प्राइस रिलेटेड गुड्स, ये क्या होने चाहिए, कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट, कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, यानी लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड घट जाएगा, किसी वस्तु का प्राइस घट गया तो डिमांड ऑलरेडी घट जाएगा। साथ साथ उसका क्या होना चाहिए, रिमेनिंग अदर थिंग क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का क्लास यही पे समाप्त होता है। आज हमने जो पढ़ा, पहला डिमांड का डिफिनेशन क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, फिर पढ़े हम लोग उसका एक एक लाइनअप, हम लोग समझाए कि प्राइस ऑफ गुड्स कैसे मार्केट में हमारा आगे पीछे होता है, रिलेशन कैसा मार्केट के साथ, डायरेक्टली है, इनडायरेक्टली है, वो हमने बता दिया, और एक छोटा सा क्लिप दिया लॉ ऑफ डिमांड। माय डियर स्टूडेंट, अगला जो क्लास होगा, अगला जो क्लास हम पढ़ेंगे, जो भी बताए प्राइस रिलेटेड गुड्स का ग्राफ, ग्राफिकल मेथड, पूरा एक एक कंसेप्ट के साथ आगे क्लास में पढ़ते जाएंगे। मैंने आप लोग बस बने रहिए, साथ दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ तक कि जो भी बच्चों इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, जिस बच्चे का इकोनॉमिक्स हम जोड़ा है, 11th 12th हम जोड़ा है, वो इससे जुड़िए, पीसीएम क्लास से जुड़िए, और इसका पूरा से पूरा भरपूर लाभ उठाइए। आपको हर कंसेप्ट और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।